शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह शियारिन उदय होते सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गऊ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पिडू की उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुनम कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा की चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूलि वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगाई हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही है भाग्यहीन भूमि भगवान की उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सोनकी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनका इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई, द्वारिका में हमारी सुजन संबंधी मधु भोज दशाहर आहर शाश्वत अंधक और वृष्णवंशी यादव कुशल से तो है ना। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवी की आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, विराजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदयिक उनके कृतपुत्र कृतवर्मा, अक्रूर जयंत, गद सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। कृष्णवंशी के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनुरुद्ध आनंद से हैं ना। सुखीण चारुदेष्ण जामवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बाहुबल से सुरक्षित हैं।
सबके सब सकुशल है ना, हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना, वे आदि पुरुषों बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान की पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की सभीष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी और श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। हे भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम स्त्रीहीन से दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके, तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया, मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो, हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित तो हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद में 15वां अध्याय श्री कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देखकर स्वर्ग सिधारने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के प्रह से क्रस हो रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सुख से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था, वी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा की परवश हो रहे थे। रथ हांकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़ी कष्ट से उन्होंने अपने शोक का बीग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से ये कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे उसी श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया, जैसे यह शरीर प्राण से रहित तो होने पर मृतक कहलाता है वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है, उनके आश्रय से
द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए। कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामय सभा प्राप्त की और अपने यज्ञ में सब ओर से आ आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटी समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत सी राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने